नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास टेंथ का मैथ का बालाजी बुक है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.4 हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, चार कुर्सी और तीन मेज का मूल्य 2100 रुपये है तथा पाँच कुर्सी व दो मेज का मूल्य 1750 रुपये है, तो एक कुर्सी व एक मेज का मूल्य बताइए। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए। माना इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं हम नीला। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये व एक मेज का मूल्य 2000 रुपये, 2000 रुपये है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि चार कुर्सी है, देखिए एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है, तो चार कुर्सी का मूल्य 4x रुपये हो गया, प्लस मेज का मूल्य कह रहा है, एक मेज का मूल्य 2000 रुपये, तीन मेज का मूल्य 3000 रुपये हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 2100 रुपये। ये समीकरण नंबर एक हो गया। इसी प्रकार फिर से प्रश्न अनुसार आगे कह रहा है कि पांच कुर्सी है तो 5x हो जाएगा, प्लस दो मेज लिखा गया है तो 2y इजिकल टू मतलब पांच कुर्सी और दो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 1750 रुपये। तो 1750 रुपये समीकरण नंबर दो हो गया। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दोनों बन गए हैं। समीकरण तो सॉल्व करना हर किसी को आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे देखिए, अगर y के मान को अगर हम कट कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर x की वैल्यू को कट कर देते हैं तो y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम समीकरण दो, समीकरण एक में दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक में दो से व समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर, तीन से गुणा करने पर अगर गुणा कर देते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो चौक 8x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस दो तिहाई 6y हो गया, और माइनस सॉरी बराबर जो है 2100 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। और समीकरण हमने दो में तीन से गुणा करना है, समीकरण दो में तीन से गुणा कर देंगे तो 5x हो गया, और प्लस 5 दूनी सॉरी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 6 हो गया ना, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं फिर से एक बार, 3 2 6 y हो गया यहाँ पर, और इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1750 मल्टीप्लाई 3, तो 3 0 0 3 5 15 5 1 आ गया, और 17 51 5250 रुपये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, घटाने पर, इसको घटा देते हैं तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, अगर इसको घटा देते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर कितना हो जाएगा, तो 15 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7x इजिकल टू, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 50 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 2 गए 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी, यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ पर है माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, यक्स इजकल टू निकालेंगे तो 1050/7 हो गया, 7 × 1 = 7, 7 से काट देंगे तो 7 × 1 = 7 हो गया, 7 × 5 = 35, 150 रुपये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य 150 रुपये है। अब यक्स की वैल्यू समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसके आगे है, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, अब x का मान समीकरण एक में रख देते हैं तो समीकरण एक हमारा कह रहा है कि 4 है, x का मान हम कितना रखेंगे 150 बराबर प्लस 3y इजिकल टू कितना होगा 2100। अब यहाँ पर देखिए 3y इजिकल टू कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2100 और माइनस 15 × 60 कितना हो जाएगा, 15 × 60 मतलब 600 रुपये हो जाएगा, 2100 यहाँ पर है, 600 रुपये यहाँ पर हो जाएगा।
तो 3y = 2100 में से जब हम 600 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1500। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई, 1500/3, 3 × 3, 3 × 6 = 15, यहाँ पर 500 हो जाएगा। अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर जो आंसर लिखना है आपको कैसे लिखना है इसको भी देख लो। यहाँ पर जो आंसर लिखना है कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल और एक मेज का मूल बताना है, तो कुर्सी का मूल हो जाएगा, कुर्सी का मूल 150 रुपये हो जाएगा। दोस्तों गला बैठ गया था बोलते बोलते। कुर्सी का मूल कितना हो गया 150 रुपये, व मेज का मूल कितना हो गया, मेज का मूल 500 रुपये हो गया। तो यहाँ से एक आंसर ये निकल गया, एक आंसर ये निकल गया। अब यहाँ से मान लीजिए, अभी यहाँ पर क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता था कि एक कुर्सी का मूल तो केवल 150 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों बताना है इसलिए दोनों हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेज व 3 कुर्सी का मूल 2000 रुपये है, तथा 3 मेज का मूल 2 कुर्सी के मूल जो है वो 2500 रुपये है। तो एक मेज व एक कुर्सी का मूल बताना है। क्वेश्चन बहुत सरल है, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि 2 मेज व 3 कुर्सी का मूल। तो यहाँ उसी प्रकार से इसमें मान लेते हैं, मेज का मूल मान लीजिए 100 रुपये है और कुर्सी का मूल कितना हो जाएगा, कुर्सी का मूल 2000 रुपये है। तो इस प्रश्नानुसार अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 मेज लिखा गया तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 कुर्सी है तो 3y = इनका दाम कितना लिखा गया है, 2000 रुपये। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 मेज है तो 3 मेज का मूल 3x हो गया, प्लस 2 कुर्सी लिखा गया तो 2y हो गया, कुर्सी y मान लिया, इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो गया। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर ये हो गया, अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको अगर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं तो देखो, अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू काटते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 लिखा गया, यहाँ पर 2 लिखा गया। इसी प्रकार से पुनः लिख देंगे जैसे उसमें लिखे थे कि समीकरण 1 में 2 से व समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा लिखा गया, इसमें हमको किससे गुणा करना है, समीकरण 1 में 2 से, तो ये हो गया 2 × 2 = 4x हो गया, प्लस 2 × 3 = 6y हो गया, = 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4000 हो गया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 3 = 9x हो गया, प्लस 3 × 2 = 6y हो गया, = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75। सो यहाँ पर हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, घटाने पर तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, घटाने पर मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर काटेंगे तो −5x हो जाएगा, = इसको घट माइनस करेंगे तो 3500 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3500 / यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 700 रुपये यहाँ पर हमारा बन करके तैयार हो गया। एनी डाउट। अब इसी प्रकार से आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि एक ये जो x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू क्या है, मेज है, एक मेज का मूल तो निकल गया, अभी कुर्सी का मूल निकालना है। तो कुर्सी का मूल निकालने के लिए हमको क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए। कैसे रखा जाता है, तो x का मान हमारा 700 रखेंगे तो 7 × 3 = 2100 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2y = 2500 रुपये हो गया। तो यहाँ पर 2y = कितना हो गया, 2500 − 2100 = 400। तो सॉरी, ये आंसर नहीं है, 400 ये हो गया। अब यहाँ से अगर 2y की वैल्यू निकालते हैं तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये।
तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। इसका जो कट करके आंसर आ गया 200 रुपये आ गया। तो इसी प्रकार से अगर ये जो है ये हमारा मेज का दाम हो गया और ये किसका है, तो ये हमारा कुर्सी का दाम हो गया। तो इस प्रकार से कह रहा है कि एक मेज व एक कुर्सी का मूल बताइए, तो एक मेज व एक कुर्सी का मूल आपको मालूम चल गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे धनी बन जाऊँगा, और दूसरा उत्तर दिया यदि आप मुझे, मतलब दूसरा कहता है कि यदि मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, तो उनकी क्रमशः संपत्ति क्या होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, इसको भी देखिए, इसको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लीजिए पहले मित्र के पास जो धन है 100 रुपये है, प्रथम मित्र का धन जो है, प्रथम मित्र का धन 100 रुपये है, दूसरे मित्र का धन कितना हो जाएगा, तो इसी प्रकार से दूसरे मित्र का धन, दूसरे मित्र का धन वाई रुपये हो जाएगा। दोस्तों इसको और पतला कर ले, नहीं तो पेज बहुत भर जाएगा, हो भी नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, दूसरे मित्र का धन वाई रुपये हो जाएगा, तो शर्तानुसार क्या हो जाएगा, तो शर्त अनुसार, शर्त क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है कि देखिए यहीं पर समझना है, कह रहा है कि यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर वाई लिख लो। इसमें कह रहा है यदि तुम मुझे, कौन कह रहा है, पहला एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मतलब यक्ष जो है वाई से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, तो वाई ने 100 रुपये निकाल करके इन यक्ष को दे दिया, तो वाई के पास से 100 रुपये क्या हुआ, माइनस हो गया, क्योंकि इन्होंने 100 रुपये यक्ष को दे दिया, तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। तो अब कह रहा है कि मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा, यहाँ पर कह रहा है कि ये आदमी जो है, ये आदमी कह रहा है कि मैं दुगुना धनी बन जाऊंगा, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हमको वाई वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या हो गए कि इस इनके कहने के अनुसार ये दुगुना धनी हो गए हैं। इसी प्रकार से देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 100 इजिकल टू कितना हो गया, 2y माइनस 200। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ पर 100 दुनाई 200 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा समीकरण बन रहा है, यक्स माइनस 2y इजिकल टू कितना हो गया, 200 तो है, 100 उधर ले जाएंगे, 100 उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर हो जाएगा। एक समीकरण हमारा ये बन करके तैयार हो गया। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप, अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर तो माइनस 200 ये तो लिखा ही गया है, माइनस 100 इधर जाएगा, दोस्तों यहाँ पर माइनस 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 300 हो जाएगा। और इसको इरेज करके फिर से लिख दें अच्छे से, जिससे आप लोगों को समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 300 यहाँ पर ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा जो शर्तानुसार है, दूसरा शर्तानुसार क्या कह रहा है उसको देखते हैं। दूसरा शर्त कह रहा है कि दूसरा उत्तर दिया कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें, तो यहाँ पर हमने यक्स मान लिया, यहाँ पर वाई मान लिया। अब कह रहा है कि इन्होंने 10 रुपये निकाल करके 10 रुपये इनको दे दिया, 10 रुपये निकाल करके इनको दे दिया, तो कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना हो जाऊँगा, तो ये अपने आप को 6 गुना बता रहे हैं, तो 6 से उधर ना गुणा करके 6 से अगर इधर गुणा कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात 6x माइनस 10x60 इजिकल टू कितना हो गया, वाई प्लस 10। यहाँ से जो समीकरण बन करके आया 6x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो गया, 70 के, कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 के। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे जो है अब समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों समीकरण को हमको हल करना है, दोनों समीकरण को देखो कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
हल करने पर। समीकरण एक और समीकरण को दो को हल कर देते हैं। तो समीकरण एक हमारा लिखा गया है यक्ष। अब यहाँ पर देखिए समीकरण एक, एक पर पहले ध्यान फोकस करिए। यहाँ पर हमारा 2y लिखा गया, -2y लिखा गया है, और यहाँ पर समीकरण नंबर दो में हमारा केवल y लिखा गया है, तो हल तो हो नहीं सकता है। ऐसे कंडीशन में समीकरण दो में अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण एक पहले लिख लेते हैं, यक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, -300। और समीकरण नंबर दो में हमको दो से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 × 2 = 12 यक्स यहाँ पर हो गया, और माइनस छः से छः दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस 70 × 2 कितना हो जाएगा, 140। साइन का विशेष ध्यान देना, नहीं तो गलती हो जाएगी, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर हमारा माइनस हो गया, ये दोनों यहाँ पर हमारे कैंसिल हो गए। 12x में से x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -11x, और यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे नहीं, यहाँ पर बल्कि जुड़ जाएगा, क्योंकि -300 लिखा गया है, इसके नीचे जो है -140 लिखा गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 440 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 440/11 हो जाएगा, 11 × 11 = 44, यहाँ पर कितना हो गया, 40। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू 40 आ गई है, और x का मान हम समीकरण नंबर एक में उठा करके रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर दोस्तों स्पेस कम है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर एक में रखते हैं तो x का मान 40 हो जाएगा, 40 − 2y = −300, ये लिख दिया गया है। तो यहाँ से −2y = कितना हो गया, यहाँ पर देखो −300 तो लिखा ही गया है, और इसके आगे −40 हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया, −340 हो गया। अब देखिए यहाँ पर −2y = कितना हो गया, −340 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू 340 बटे कितना हो गया, 2 × 2 = 2, यहाँ पर 170 रुपये हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो उनकी संपत्ति क्रमशः कितनी है, तो जो एक लोगों की संपत्ति है, पहले मित्र की संपत्ति 40 रुपये है और दूसरे मित्र की संपत्ति 170 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे कि पहले मित्र की संपत्ति प्रथम मित्र की संपत्ति कितना हो जाएगा, 40 रुपये। इसी प्रकार जो दूसरे मित्र हैं, दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति कितना हो गया, 170 रुपये हो गया। यही हमारा आंसर आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 20 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, उनके पास कुल 11.25 रुपये हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, इस प्रकार दोनों के सिक्के कितने कितने हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए माना 20 पैसे के एक सिक्के हैं, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के y सिक्के हैं, 20 पैसे के x सिक्के हैं और 25 पैसे के y सिक्के हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कुल सिक्कों की संख्या, कुल जो रुपए हैं, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या 50 है। तो देखिए अब अगर यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या 50 है, तो 50 सिक्के में एक सिक्के तो 20 पैसे के हो गए और 25 पैसे के वाई सिक्के हो गए, तो हम इसको कैसे डिवाइडेशन कैसे करते हैं। तो जो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि नहीं, प्रथम शर्त में कुल रुपए कितने हैं, 11.25 रुपए हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो सिक्के लिखे गए इनको सबको हमको रुपए में बना लेना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर सिक्कों की संख्या यक्स है, और यहाँ पर ये बताइए अगर यक्स सिक्के हैं 20-20 पैसे के, तो यक्स सिक्के में कितने रुपए बनेंगे, अगर एक रुपए में देखा जाए तो 5 सिक्के बनेंगे, और एक रुपए में अगर देखा जाए तो
कितने सिक्के बनेंगे? पांच बनेंगे। और इसी में पांच से अगर भाग कर दें एक सिक्के में तो मालूम चल जाएगा कितने रुपए बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वाई वैल्यू लिखा गया है, मतलब 25 पैसे के जो वाई सिक्के हैं, तो अगर वाई सिक्के में अगर 25 25 पैसे के एक रुपए में चार सिक्के बनते हैं, तो चार से अगर भाग कर देते हैं तो कितने रुपए बन जाएगा ये मालूम चल जाएगा। जो 25 25 पैसे के सिक्के हैं उससे कितना रुपए बनेगा ये मालूम चल जाएगा। और ये जो कुल रुपए हैं, कुल रुपये कितने रुपये के बराबर है, तो 11.25 रुपये के बराबर है। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस कितना होगा, 4x माइनस 5y, सॉरी प्लस 5y इजिकल टू 4 × 5 = 20 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर 4 × 5 = 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 225। ये समीकरण नंबर एक हो गया। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इसी प्रकार द्वितीय जो प्रश्नानुसार कह रहा है, द्वितीय जो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो है इन सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 50 है, अर्थात x प्लस वाई का मान कितना है, 50 के बराबर है। समीकरण नंबर दो हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब समीकरण एक और दो को हल करने पर यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण एक हुआ समीकरण दो को हल करने पर, समीकरण एक और दो को हल कर देते हैं। तो समीकरण एक और दो को अगर हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण एक में 4x प्लस 5y इजिकल टू 25 लिखा गया। अब देखिए, अगर समीकरण नंबर दो में अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं, समीकरण नंबर दो से 5 से गुणा कर देते हैं तो y की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो पहला जो समीकरण लिखा गया 4x प्लस 5y इजिकल टू 225 लिखा ही गया है, और समीकरण दो में हमको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस जो है 5y इजिकल टू 5 × 25, इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, यहाँ पर क्या लिखते हैं, घटाने पर, तो घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पर माइनस x इजिकल टू कितना हो गया, माइनस पच्चीस हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 25 के, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 25 रुपये हो गया। x फार हमने क्या माना था, x फार हमने ये माना था कि जो 20 पैसे 20 है 25 है, देखिए यहाँ पर 20 पैसे 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल कितने हैं, 25 हैं। इसी प्रकार से हम आगे फिर से हल कर देते हैं। इसी प्रकार से आगे जो 25 पैसे वाला है, तो समीकरण नंबर एक में, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण x का मान रख देंगे समीकरण नंबर एक में, तो x का मान हमारा कितना आया था, 25 आया था, 25 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 25 यहाँ पर हो गया, और प्लस 5y इजिकल टू कितना हो गया, 225 के। तो यहाँ से 5y इजिकल टू कितना हो गया, 225, और माइनस 25 चौका 100 यहाँ पर हो जाएगा, तो 5y इजिकल टू कितना हो गया, 125 के। दोस्तों ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ठीक है ठीक है, 125 हो गया। y की वैल्यू कितनी हो गई, 125/5 हो गया, 5 × 5 = 10, 5 × 25। अब यहाँ पर y की वैल्यू भी हमारी 25 आ गई। तो इसी प्रकार से जो मेज लिखा गया है, तो यहाँ पर एक आंसर ये भी निकल गया, लेकिन जो इतना क्या है, ये इतना रुपया है, तो यहाँ पर मेज और कुर्सी पूछ रहा है ना, कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल, नहीं नहीं सॉरी, मेज कुर्सी नहीं है, सिक्के हैं 20 पैसे और 25 पैसे। तो जो 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, 20 पैसे के जो कुल सिक्के हो जाएंगे 25 सिक्के, व 25 पैसे के कुल सिक्के पच्चीस होंगे, दोनों के अर्थात 25-25 पैसे हो जाएंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद शायद क्वेश्चन ख़त्म है इसमें जो है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 से अगले क्लास में आपको बताएंगे। इसमें कह रहा है, तीन बैग व 4 पेन एक साथ मूल्य 257 रुपये हैं,
ऐसे ही चार बैग और तीन पेन का मूल 324 रुपये हैं, तो एक बैग व 10 पेन का दाम बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक है, एक बैग का दाम कितना हो जाएगा, एक बैग का दाम अगर 100 रुपये मान लेते हैं, इसी प्रकार से हम एक पेन का दाम अगर वाई रुपये मानते हैं, एक पेन का मूल्य अगर हम वाई रुपये मानते हैं, तो प्रथम जो प्रश्नानुसार है, प्रथम शर्तानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 3x + 4y इजिकल टू 257 के, कोई डाउट यहाँ तक, ये समीकरण नंबर एक हो गया। इसी प्रकार से अगर हम जो दूसरा शर्तानुसार हो जाएगा, दूसरा प्रश्नानुसार कह रहा है कि चार बैग हैं, 4x + 3 पेन है, 3y = 324 रुपये के, समीकरण नंबर दो हो गया। समीकरण नंबर एक व समीकरण दो को हल करने पर, समीकरण एक और दो को हल कर लेंगे। अब देखिए, अगर हल करते हैं तो अगर y की वैल्यू काटनी है तो समीकरण नंबर एक में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और समीकरण नंबर दो ये है, इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। तो समीकरण नंबर एक में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x यहाँ पर हो गया, और प्लस कितना हो गया, 3 × 12 y = 3 × 7 = 21 का 1 2 आ गया, 3 × 5 = 15, 16 × 17 = 7 1 आ गया, और 3 × 2 = 6 = 7 771 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 4 × 16 यहाँ पर x हो जाएगा, और प्लस 4 × 3 = 12 y ये हो गया, और = 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 × 96 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 ये हो गया। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, दोनों हमारे कैंसिल हो गए, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, −7x = इधर घटाने पर तो 6 में से 1 घटा दिया तो 5 हो गया, 9 में से 7 घटा दिया 2 हो गया, 12 में से 7 घटा दिया 5 हो गया, 525 हो गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू, और वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस, x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर अगर देखते हैं तो 525 / कितना हो गया, 7 के, 7 × 7 हो गया, और 7 से काटने पर 7 × 7 = 49 हो गए, 49 + 50 = 51, 7 × 5 = 35, x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 75 आ गया। अब x का वैल्यू उठा करके समीकरण दो में रख देते हैं, तो समीकरण नंबर दो में x, देखिए दो में रखो या एक में रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में रख सकते हो। समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो मान रख देते हैं, तो x का मान 75 है, तो 75 × 150 × 300 मतलब ऐसे करेंगे, आपको अच्छे से समझा दें, नहीं तो जल्दबाजी में क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा तो आप लोग कहेंगे सर कैसे पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 4 × x की वैल्यू 75 हो गई, और +3y है = 324 हो गया। अब यहाँ पर 3y = कितना हो गया, 324, और माइनस कितना हो जाएगा, 75 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर जाएगा माइनस में भी हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से 3y = कितना हो गया, 24 के, और y = कितना हो गया, 8 × 24 = 8 के हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से x का वैल्यू 75 आ गया है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग और 10 पेन का दाम बताना है। एक बैग और ए और बैग का दाम हमने क्या माना था, x माना था। तो अगर बैग का दाम हमने x माना था तो x का मान कितना हो जाएगा, एक बैग है तो एक बैग का दाम, तो एक बैग का दाम 75 रुपये हो गया। कह रहा है कि एक बैग प्लस 8 पेन का दाम बताना है, तो एक बैग का दाम कितना है, 75 रुपये हो गया, प्लस 8 पेन है, तो 8 पेन का दाम हमने x रुपये माना था, तो x की पेन का दाम वही माना था, तो ये 8 नहीं, सॉरी ये 10 है दोस्तों, यहाँ पर नहीं तो 10 था ना वहाँ पर शायद, यहाँ पर कितना था, 10 था।
दस, तो यहाँ पर दस हो गया, दस गुड़े पेन का दाम कितना है, आठ है, बराबर कितना हो गया 75 प्लस 8 दाम में 80, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 155 आएगा ना शायद, 155, 75 प्लस 80 बराबर 155 हो जाएगा, तो 155 रुपये यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लासेज अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रकार का क्लासेज पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।